हेलो गाइस, आई एम सोम सोम धैया वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन द रूरल फ़ाइट यूट्यूब चैनल सो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल द रूरल फ़ाइट पर दोस्तों आज थर्टीनथ डे है जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा स्पोकन इंग्लिश का फुल कोर्स चल रहा है तो आज थर्टीनथ डे है ट्वेल्थ जो लेसन है वो मैंने काफ़ी दिन पहले डाला था और बीच में किसी कांडवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगी और डेली हमारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी तो दोस्तों ये थर्टीन डे है थर्टीन डे में आज हम पढ़ेंगे कि टीचर्स कमांड एक टीचर बच्चों को कैसे कमांड कर सकता है इंग्लिश में और दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स एज वेल एज़ द स्टूडेंट्स हाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि तो टीचर्स इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलेगा और बच्चों को यदि ऑलरेडी पता होगा तभी तो वो उस कमांड की वैल्यू रहेगी या उसको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा तो स्टूडेंट्स भी देखें और टीचर्स भी देखें और इन क्लास में अप्लाई करें सो लेट्स हैव अ लुक एट दर्ड ट्वेंटी वन सेंटेंस कागज़ के टुकड़े कूड़ेदान में फेंकें जब कोई बच्चा कोई भी कागज़ के टुकड़े या कोई भी चीज़ थ्रो करता है उसे हम कहते हैं कि इसको ना कूड़ेदान में डालो तो कह सकते हो पुट द बिट्स ऑफ पेपर इन डस्टबिन ठीक है पुट द बिट्स ऑफ पेपर इन डस्टबिन और ये जो नेक्स्ट मैंने लिखा है नो लीटरिंग नो लीटरिंग का मतलब गंदा ना करें इसे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं घर पे भी यूज कर सकते हैं और मैंने बेसिकली इसको मेट्रो uh, स्टेशन पे देखा था वहाँ पे लिखा हुआ था नो no लीटरिंग मतलब गंदा ना करें यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं तो इसको भी आप घर या स्कूल कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं सो लेट्स हैव हैवे लुक एट द नेक्स्ट यहाँ लिखो राइट एयर शोर मत करो शोर मत करो डोंट मेक अ नोइस और कीप क्वाइट कीप क्वाइट चुप रहो भागो मत डोंट रन ब्लैक बोर्ड पर देखो लुक एट द ब्लैक बोर्ड अपना काम ध्यान से करो डू यू वर्क केयरफुली और अटेंटिवली दोनों का मीनिंग सेम है अपना काम साफ साफ करो डू यू वॉक नीट एंड क्लीन नीट एंड क्लीन मीन्स साफ साफ जैसे कोई बच्चे गंदी हैंड राइटिंग में कैटिंग में अपना काम करते हैं या फिर ऐसी राइटिंग बना देते हैं उसको पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता है तो उसे हम कह सकते हैं डू यू वर्क नीट एंड क्लीन अपना काम स्वयं करो डू यू वर्क योर सेल्फ हाथ धोकर आओ कम विद वोस्ड हैंड्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कई बार हम इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है हाथ धो कराओ कम विद वोस्ट हैंड्स अपनी जगह से मत हिलो डोंट मूव फ्रॉम योर सीट डोंट मूव फ्रॉम योर सीट जब जब टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चों को कहता है कि आप मेरे साथ साथ बोलो तो उसे हम कह सकते हैं ऑल चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर मी ऑल चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर मी ब्लैक ब्लैक बोर्ड पर देखकर बोलो रिपीट लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड रिपीट लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड नीचे से आंटी को बुलाकर लाओ कॉल द आंट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर कॉल द आंट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे इसको ग्राउंड फ्लोर बोलने के बजाय ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे डी को साइलेंट रखा है डी को मैंने नहीं ऐड किया है यहाँ पर डी आप चाहो तो ग्राउंड फ्लोर स्पेलिंग जी आर ओ यू एन डी एफ एल डबल ओ आर ही रहेगी ठीक है बोलने में इसे ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं ज़ोर से बोलो स्पीक लाउडली ज़ोर से बोलो स्पीक लाउडली सभी बच्चे अपनी कॉपी यहाँ लाओ कम विद योर नोटबुक कम विद योर नोटबुक और इसे इजी लैंग्वेज में कहो तो कह सकते हैं ब्रिंग योर नोटबुक बुक हेयर ठीक है ये इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा सेंटेंस यूज करते हो दैट वुड बी ओके फॉर यू सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कक्षा को गंदा मत करो डोंट मेक द क्लास डर्टी डोंट मेक द क्लास डर्टी और यदि शॉर्ट में कहना चाहो तो वो ऊपर वाला सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हो नो लिटरिंग अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखो कीप योर क्लास टाइडी कीप योर क्लास टाइडी अपना बैग यहाँ पर रखो पुट योर बैग हेयर पुट योर बैग हेयर सभी बच्चे किताब पढ़ते समय अपनी किताब में देखें लुक एट योर बुक वाइल्ड रीडिंग लुक एट बुक लुक एट योर बुक वाइल रीडिंग डांस क्लास में चलो गो टू डांस क्लासेस, गो टू डांस क्लास, ठीक है कंप्यूटर क्लास में चलो गो टू कंप्यूटर लैब गो टू कंप्यूटर लैब अपनी जगह पर बैठो टेक योर सीट टेक योर सीट अपनी जगह पर खड़े होकर सुनाओ स्टैंड अप एंड टेल स्टैंड एंड टेल और जब सुनाने की बात आती है तो रिसाइट भी कह सकते हैं रिसाइट योर आंसर फ्रॉम योर सीट रिसाइट योर आंसर फ्रॉम योर सीट और यदि कहें कि अपनी जगह पर खड़े होकर जवाब दो तो उसमें भी ये भी कह सकते हैं आंसर फ्रॉम योर सीट आंसर फ्रॉम योर सीट अपनी कक्षा से बाहर मत जाओ डोंट गो आउट फ्रॉम योर क्लास डोंट गो आउट फ्रॉम द क्लास कक्षा में अध्यापक से पूछ के आओ कम इन द क्लास विद द परमिशन ऑफ टीचर कम इन द क्लास विद द परमीशन ऑफ टीचर और दूसरे सेंटेंस में इसे कह सकते हैं टेक परमिशन वाइल एंट्रिंग द क्लास स्कूल में पानी की बॉटल ना लाओ डोंट ब्रिंक वाटर डोंट ब्रिंक वाटर बॉटल इन द स्कूल डोंट ब्रिंक वाटर बॉटल इन द स्कूल अपना काम जल्दी करो डू योर वॉक हरीडली डू योर वॉक हरीडली और जब आप ये कहते हो किसी भी घर पर भी क्लास में भी कहीं पर भी जल्दी करो जल्दी करो तो उसे कह सकते हैं हरी आप हरी आप कोई भी बच्चा क्लास में कोई भी बच्चा कक्षा में शैतानी नहीं करेगा नो बडी विल मेक अ मिस चीफ इन द क्लास नो बॉडी विल मेक अस्चीफ इन द क्लास क्या आपने लिख लिया वेन एवर यू आस्क योर स्टूडेंट्स कि क्या आपने लिख लिया सो हैव यू रिटर्न और हैव यू नोटेड ठीक है हैव हैव यू यू और नोटेड अपनी हिंदी की किताब निकालो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश वट एवर यू कैन यूज टेक योर टेक आउट योर हिंदी बुक टेक आउट योर हिंदी बुक और इसे ये भी कह सकते हो टेक योर हिंदी बुक आउट टेक योर हिंदी बुक आउट कक्षा में आओ कम इन द क्लास रूम कम इन द क्लास रूम पुस्तक पर जिल्द चढ़वाएं सो बाइंड योर बुक्स और गेट योर बुक्स बाउंड दोनों सेंटेंस सही है दोनों सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं मुंह पर उंगली रखें कीप द फिंगर ऑन योर लिप्स कीप द फिंगर ऑन योर लिप्स कृपया एक बजे से पहले बच्चों को लेने ना आए जब आप किसी पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक बजे से पहले लेने ना आए तो so उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज डोंट कम बिफोर वन पी एम टू रिसीव द चाइल्ड प्लीज डोंट कम बिफोर वन पी एम टू रिसीव द चाइल्ड कृपया कंप्यूटर रूम में इंतज़ार करें प्लीज़ वेट इन कंप्यूटर लैब आधी छुट्टी में बाहर सड़क पर मत खेलें डोंट प्ले ऑन द रोड जूरिंग रीसेस डोंट प्ले ऑन द रोड जूरिंग रीसेस स्कूल के लिए जेब खर्च ना लाएं डोंट ब्रिंग पॉकेट मनी इन द स्कूल डोंट ब्रिंग पॉकेट मनी इन द स्कूल ग्रीन बोर्ड पर देखो लुक एट द ग्रीन बोर्ड यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड वट एवर यू कैन यूज ठीक है मेरे पीछे बोलो रिपीट आफ्टर में भी कह सकते हो और रिपीट में भी कह सकते हो दीवारों पर मत लिखो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है दीवारों पर मत लिखो डोंट राइट ऑन द वॉल्स डोंट राइट ऑन द वॉल्स मैडम पेंसिल घट दो मैडम प्लीज शार्पन माई पेंसिल मैडम प्लीज़ शार्पन माई पेंसिल दबाकर मत लिखें डोंट पुट प्रेशर वाइल राइटिंग डोंट पुश डोंट पुट प्रेशर वाइल्ड राइटिंग सो लेक एट द नेक्स्ट सेंटेंस पेंटिंग करते समय प्रत्येक विद्यार्थी अपना अपना समान प्रयोग करे यूज योर ओन मैटेरियल वाइल्ड पेंटिंग यूज योर ओन मैटेरियल वाइल्ड पेंटिंग कल अपने पिताजी को साथ लेकर स्कूल आना है कम योर कम विद योअर फादर इन स्कूल टूमोरो कम विद योर कम विद य फादर इन स्कूल टमोरो बातें नहीं करें या फिर बात मत करो सो so इसे कह सकते हैं डोंट टॉक डोंट टॉक तो ये थे आज के फोर्टी फाइव सेंटेंसेस ट्वेंटी सेंटेंसेज आपने पहले पढ़ लिए हैं आज के ये फोर्टी फाइव सेंटेंसेज थे सो so, ये दूसरा पार्ट है टीचर्स कमांड का और इस टीचर्स कमांड में मैं एक वीडियो और डालूंगा वो फोर्टी फाइव सेंटेंसेज की रहेगी लगभग वन हंड्रेड टेन सेंटेंसेज हो जाएंगे जो कि टीचर्स कमांड पे रहेंगे और आई थिंक मेरे हिसाब से ये सारे सेंटेंसेज के अंदर ही टीचर्स की कमांड पूरी हो जाती है फिर भी इफ़ यू हैव एनी सेंटेंस और एनी क्वेश्चन सो यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड दैट वुड बी Most welcomed. So, see you in the next video. By the time, uh, be happy, keep smiling, and take care.